तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो पर। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक डीमन ने लॉयड और लॉयड के सभी दोस्तों के ऊपर में अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उन सभी को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा। काफी मुश्किल से वो उस डीमन से लड़ पा रहे थे। इतने में शिल्पा जो है अपनी पावर को अनलिश करती है और काफी ज्यादा बड़ी टक्कर देती है उस डीमन को और काफी हद तक उसकी हालत को पतली कर देती है, डीमन की ऐसी तैसी कर देती है। पर इसके बावजूद भी हमें पता चलता है कि डीमन अभी बिल्कुल भी नहीं हारा है, बल्कि उसके पास में और भी पावर है और अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला है अब आगे। तो याले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिल्पा ने तलवार पकड़ रखी और डीमन उसके घुटनों पर गिरा हुआ, पर उस डीमन ने तुरंत ही एक मियाज्मा को अपनी बॉडी से निकाला जो कि उसका मैजिकल पावर है और उससे वो आसपास में पूरा कोहरा कर देता है। और प्रिंस एल्बर्ट और टाओ जो है ना वो बाकी मॉन्स्टर को खत्म करने में लगे पड़े होते हैं और वो सब कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर अब हार चुके हैं, अब हम जी सकते हैं। इतने में हम देखते हैं कि वो जो डीमन है वो अपनी पावर को अनलीश करता है और वो सीधा शिल्पा के ऊपर में अटैक कर देता है, जिसके बाद में शिल्पा की हालत काफी ज्यादा पतली हो जाती है और प्रिंस एल्बर्ट भी अनकॉन्शियस हो जाता है। और डीमन कहता है कि तुम मेरे मियाज्मा से नहीं बचने वाली हो, जिसके बाद में शिल्पा कहती है कि अच्छा तो ये बदबू उसी की है। फिर वो डीमन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो शिल्पा को और दूर फेंक देता है। इतने में हम देखते हैं कि जैसे ही उस पर अटैक करने जा रहा होता है वहां पर टाओ आ जाती है और शिल्पा टाओ से कहती है कि अगर तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ है तो चले जाओ यहां से और जाकर प्रिंस लॉयड को बचाओ। जिसके बाद में वो डीमन बताता है कि मेरे मियाज्मा को उस स्वॉर्ड लेडी ने बहुत ज्यादा अच्छे से हैंडल करा और उसने सबसे ज्यादा देर तक मेरे मियाज्मा को हैंडल कर लिया। फिर वो डीमन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे मियाज्मा से कैसे बची हुई हो, ओ तो तुम डिफरेंट तरीके से ब्रीथ कर रही हो जिसकी वजह से तुम मेरी इस मियाज्मा से बच चुकी हो। इतने वो टाओ के ऊपर में हमला कर देता है और टाओ की ब्रीथिंग खराब हो जाती है, जिसके बाद में टाओ गुस्सा जाता है और वो एक पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करती है जिसका नाम रहता है थंडर कोएक पल्स और उससे वो डीमन का बुरा हाल कर देती है। इसके बावजूद भी वो डीमन वापस खड़ा होता है और वो अपने मॉन्स्टर से टाओ के ऊपर में हमला कर देता है और वो टाओ से कहता है कि तुम किस बंदे की बात करे जा रही हो बीच में, कौन है वो। जिसके बाद में टाओ कहती है कि मैं उसे सेंस कर पा रही हूँ, वो यहीं कहीं पे है, वो तुम्हारा बैंड बजाने के लिए आने ही वाला है, अब तुम नहीं बचोगे। ऐसा कहने के बाद में वो मॉन्स्टर टाओ को खा लेता है। इतने में हम देखते हैं कि डीमन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब मैं उस स्वॉर्ड लेडी यानी कि शिल्पा को नहीं छोड़ने वाला हूँ। और जैसे ही वो शिल्पा को पकड़ता है वो ट्राई करता है कि वो उसे अपना मिनियन बना ले, पर इतने में हम देखते हैं कि जो लॉयड है वो उस डीमन से बात करता है और बोलता है कि अच्छा तुम अपने मियाज्मा की मदद से सभी को कंट्रोल करते हो। जिसके बाद में वो डीमन सब कुछ बता रहा होता है, पर एकदम से उसे ध्यान आता है कि अरे ये बच्चा मेरे मियाज्मा से कैसे बचा हुआ है और उसकी हालत पतली हो जाती है उस बच्चे को देखने के बाद में। फिर वो डीमन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे मियाज्मा से ऐसे बच जाओगे। इतने में वो डीमन लॉयड के साथ में मौजूद ग्रिम को देखता है और बोलता है कि तुम तो एक डीमन हो ना, और कब से डीमन जो है वो इंसानों को सर्व करने लग गए, तुमने तो हमारे डीमनों का नाक कटा दी है, और वो उस पर हंस रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि ग्रिम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर ग्रिम कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह डीमन हूं, मैं तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता हूं। फिर वो डीमन कहता है कि तुमसे पहले मैं बर्बाद नहीं होऊंगा। इतने में वो सभी मॉन्स्टर से लॉयड के ऊपर में हमला करवा देता है, जिसके बाद में लॉयड कहता है कि अरे हाँ ये परफेक्ट टाइम है, मुझे अपने माना ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो माना ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और उससे वो उस डीमन के सभी मिनियन मॉन्स्टर पर काबू कर पा रहा होता है। और ये देखने के बाद में वो डीमन पूरी तरह से हिल जाता है क्योंकि लॉयड ने उसके सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर लिया होता है और वो उनके साथ में खेल रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि लॉयड जो है ना एक मॉन्स्टर से कह के टाओ को बाहर निकालता है उसके मुंह से और टाओ को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो डीमन ना काफी ज्यादा शॉक हो चुका था क्योंकि उसके सारे मियाज्मा को लॉयड ने एक फ्लावर गार्डन बना दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो डीमन है ना वो वापस से अपने मिनियंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है मियाज्मा की मदद से, पर वो उसके कंट्रोल में नहीं आता है और वो लॉयड के साइड से लड़ रहे होते हैं उससे और लगातार वो उसके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद में लॉयड भी खुश हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि यार इनके अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। अब डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो अपने ही मिनियन के ऊपर में हमला कर देता है। फिर वो उन मॉन्स्टर के ऊपर में हमला करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए बढ़ा किया था कि तुम मेरे पे ही हमला करने लग जाओ। उसके बाद में जो डीमन को ना काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रिंस लॉयड से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी बड़े स्पेल का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि डीमन के ऊपर में कोई भी स्पेल काम नहीं करते हैं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। फिर लॉयड कहता है कि अरे हाँ डीमन तो मैजिक से नहीं मर सकते हैं, मैं यही तो सोच रहा हूँ कि वो मैजिक से क्यों नहीं मरते हैं, कितना मजा आएगा कि अगर मैं जान जाऊं कि डीमन मरता कैसे है। और ये सुनने के बाद में सामने वाले डीमन की तो पैंट गीली हो जाती है। फिर हमें लॉयड का साथी डीमन यानी कि ग्रिम बताता है कि इस बच्चे के अंदर हमें बहुत बड़े लेवल पर एक माना है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके सामने में ये डीमन तो कुछ भी नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि फाइनली लॉयड जो है वो बहुत बड़े स्पेल का इस्तेमाल करने वाला है और हमें लॉयड का माना भी देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और इंटेंस और खतरनाक दिख रहा होता है। और वो जो माना है लॉयड का वो डीमन भी देख लेता है और डीमन की हालत बस से बदतर हो जाती है। और अब प्रिंस लॉयड जो है अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उस डीमन को अपने बैरियर मैजिक में कैद करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वो डीमन भाग जाता है और बोलता है कि अगर मैंने इससे फाइट करी तो मैं पक्का मारा जाऊंगा और ये मेरे पे टेस्ट करता रहेगा जब तक मैं मरूंगा नहीं। इतने में हम देखते हैं कि लॉयड एक के बाद एक बैरियर मैजिक से उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो डीमन तुरंत तेजी से भाग रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके पकड़ में नहीं आना है। फिर लॉयड जो है वो लाइट की स्पीड से बैरियर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है उसे पकड़ने के लिए, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। इतने
में वो ग्रिम के साथ में मिलकर डबल कास्टिंग मैजिक का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। अब डीमन का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो पूरी पावर से अपनी पूरा दम लगा के भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर फिर भी वो लॉयड से नहीं बच पाता है और लॉयड फाइनली उसे अपने बैरियर मैजिक में कैद कर लेता है। फिर लॉयड कहता है कि तुम बाकी मॉन्स्टर के ऊपर में जो तुम्हारे मिनियन है उनके पेरेंट्स को तुमने खत्म कर दिया और तुम उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे, तुम्हें तो अपने आप में शर्म आनी चाहिए, तुमने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया दूसरों को, अब तुम्हारी बारी है। फिर वो डीमन समझ जाता है कि अब वो खत्म होने वाला है, जिसके बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हें इस पूरी दुनिया का राजा बना दूंगा, मुझे छोड़ दो, तुम इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर में राज कर पाओगे। पर इस सबसे प्रिंस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और डीमन अपनी जान के लिए भीख मांग रहा होता है और वो अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और वो उस डीमन को अपने मैजिक से पूरे 30 मिनट तक टॉर्मेंट करता है। और फाइनली 30 मिनट बाद में उस डीमन की जो हालत है ना वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, जिसके बाद में लॉयड जो है ना वो उस डीमन को आजाद कर देता है, बैरियर मैजिक से फ्री कर देता है। उसके बाद में वो डीमन कहता है कि मैंने ऐसा मॉन्स्टर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और इतने में हम देखते हैं कि बाकी जो लोग है ना वो धीरे धीरे करके जाने लग जाते हैं, जिसके बाद में लॉयड जो है ना वो बोलता है कि अब मुझे जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। इतने में ग्रिम जो है वो उस डीमन से बात करता है और बोलता है कि एक लीडर को हमेशा एंजॉय करता रहना चाहिए और मुझे पता है कि ये जो बच्चा है वो वही करता है जो इसे पसंद है और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसके आसपास में सभी लोग इससे जुड़े रहते हैं, पर एक ना एक दिन मैं उससे रिवेंज पक्का लूंगा। जिसके बाद में वो डीमन हंसता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। और पास दूसरे के मानने से ग्रिम जो है वो अपने आप को और भी पावरफुल बना देता है और बोलता है कि अब मैं लॉयड से अच्छे से रिवेंज ले पाऊंगा। जिसके बाद में लॉयड जो है ना वो सभी सेना को बताता है कि यहाँ पर रॉबर्ट नाम का एक वॉरियर आया था जिसने हम सभी को बचा लिया, हालांकि रॉबर्ट प्रिंस लॉयड ही होता है। इतने में हम देखते हैं कि टाओ भी रॉबर्ट का नाम सुनने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सिल्वा को भी लेके आई होती है और फिर सभी के सभी कासल की तरफ वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस एल्बर्ट जो है वो किंग के सामने में मौजूद होता है और किंग कहता है कि एल्बर्ट तुमने डीमन को खत्म करके बहुत अच्छा काम किया। और फिर किंग कहता है कि तुम्हारी मदद तो टाओ और रॉबर्ट ने भी करी थी ना, जो कि एक एडवेंचरर्स है। जिसके बाद में एल्बर्ट कहता है कि हाँ, पर रॉबर्ट नाम का एडवेंचरर हमारे उठने से पहले ही चला गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि टाओ जो है वो रॉबर्ट के बारे में सोच के खुश हो रही है और बोल रही होती है कि मुझे डीमन से बचाया। इतने में लॉयड जो है ना खाली पीली बोलता है कि रॉबर्ट वहां पर गया है और उसके पीछे पीछे टाओ चली जाती है भाभक के। ऐसा हुआ होता है पास्ट में। वापस से हमें वही सीन देखने को मिलता है जहां पर प्रिंस एल्बर्ट राजा के सामने मौजूद होता है। किंग बोलता है कि हमें ऐसे एडवेंचर रॉबर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद में प्रिंस एल्बर्ट कहता है कि लॉयड ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस फाइट के अंदर में। यह सुनने के बाद में किंग भी हैरान हो जाता है और फिर प्रिंस एल्बर्ट कहता है कि किंग, मैं चाहता हूं कि प्रिंस लॉयड भी सक्सेशन का हिस्सा बने। इसने हमारे स्वॉर्ड्स के ऊपर में एन्चेंटमेंट मैजिक इस्तेमाल किया था जो सिर्फ और सिर्फ हाई मैजिकल कैपेसिटी वाले यूजर ही कर सकते या तो बुद्धिमान लोग ही कर सकते हैं। फिर किंग कहता है कि अगर मैंने इसे गद्दी का हकदार बनाया तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा एल्बर्ट। इसके बाद में एल्बर्ट कहता है कि मुझे इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि लॉयड इस गद्दी का पूरा हकदार है और लॉयड को गद्दी की जरूरत नहीं बल्कि गद्दी को लॉयड की जरूरत है। ये सुनने के बाद में किंग भी खुश हो रहा था, बोल रहा होता है कि आज से लॉयड भी सक्सेशन का हकदार है। पर लॉयड सीधा मना कर देता, बोलता है कि मैं नहीं, मेरे से ना हो पाएगा। फिर वो भाग जाता है वहां से। फिर वो अपने मॉन्स्टर के साथ में खेलने लग जाता है। क्योंकि ग्रिम भी लॉयड के साथ में खेलने के लिए आ जाता है और वो सब मजे कर रहे होते हैं। इतने में सिल्फा भी वहां पर आ जाती है और वो लॉयड के साथ में बैठती है, जिसके बाद में लॉयड सिल्फा को बताता है कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस मॉन्स्टर से बात कर पाऊं। फिर सिल्फा बताती है कि हाँ, मुझे पता है कि मानस से मॉन्स्टर को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इतने में हम देखते हैं कि ऊपर से प्रिंस एल्बर्ट और किंग देख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि मेरा बेटा कितना इनोसेंट है। फिर एल्बर्ट कहता है कि मुझे लगता है कि किंग की जो पोजीशन है वो हमारे लॉयड के लिए बहुत ज्यादा छोटी है, वो इससे बड़ा डिजर्व करता। फिर किंग भी कहता है कि मुझे अपने बेटे के बेटर फ्यूचर का इंतजार है। तो यही पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। टेक केयर, तब तक के लिए देखते रहिए एनिमे एक्सप्लेन बाय मनीष। Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that